केबल काटना पड़ेगा। ये वायर फंसी हुई है इसके अंदर, आप देख पा रहे होंगे ये वायर फंसी है इसके अंदर, इसको निकाला जा रहा है, वायर को निकालेंगे। तो अपनी ये सिल्वर स्क्रैप निकली है इसके अंदर से, आपको इसका वेट करके बाद में दिखाऊंगा, पहले इसको निकालता हूँ, इसको काटूंगा, इसे कॉपर स्क्रैप निकालूंगा इसके अंदर से, आप देख पा रहे होंगे अंदर से कॉपर स्क्रैप निकाली है। हेलो गाइज, कैसे हो सब? आशा करता हूँ कि सब अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मैं अपने व्लॉग को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज मुझे एक पानी वाली मोटर मिली है, आज उसका हम रिव्यू आप लोगों को दिखाएंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहना। तो मुझे ये पानी वाली मोटर मिली है, आज हम आप लोगों को इसका रिव्यू दिखाएंगे। तो दोस्तों ये नट है जो इसके काफ़ी जंग लग चुका है, आप देख पा रहे होंगे तो काफ़ी जंग लग चुका है इसके यहाँ, तो इसको हम ग्राइंडर के साथ काटेंगे। ये कट चुका है दोस्तों, हम इसे आयरन स्क्रैप में डाल दिया है, और ये इनके भी काफ़ी जंग लग चुका है, ये भी शायद ना खुलें। ये खुल सकते हैं, ये खुल गए हैं। हम इसके जो मेन है ये नट है, इनको खोलेंगे स्क्रू के साथ, और इनके भी काफी जंग लग चुका है क्योंकि काफी पुरानी स्क्रैप हो चुकी है। इसको ऐसे ही बाहर निकालेंगे, इसका भी आयरन स्क्रैप निकली है इसके अंदर से, ये है दोस्त, इसको भी बेकार हो चुका है काफी ये जंग लगने के कारण। ये स्क्रू है जो काफी में भी काफी जंग लग चुका है, आप लोग देख सकते हो काफी जंग पकड़ चुके हैं, ये भी इनको भी काटना पड़ेगा, ऐसे नहीं खुलेंगे। हाँ जी दोस्तों, हमने जो काट लिए हैं इनको, क्या होगा क्या निकलेगा इसके अंदर से, कह नहीं सकते। आप इसकी मोटर को देख सकते हैं, काफी खत्म हो चुकी है। से निकाला जाएगा इसके अंदर से, बिल्कुल पानी लग चुका है इसके अंदर, बिल्कुल ही खराब हो चुकी है, आप देख सकते हो बिल्कुल इसके अंदर पानी वगैरह बारिश में भीगी हुई है, ये काफी खराब हो चुकी है, आप देख सकते हो इसको काफी खराब हो चुकी है ये। अब हम इसको जो इसके ऊपर है सिल्वर है इसको काटेंगे, और ये अपना ओनली आयरन स्क्रैप बच चुकी है, इसको आयरन स्क्रैप में बेचा जाएगा, और जबकि ये इसके अंदर से कॉपर है, कॉपर वायर है, इस कॉपर वायर को हम निकालेंगे, और ये जो सिल्वर है इसके ऊपर इसको भी अलग किया जाएगा, इसको काटते हैं फिर आपको दिखाएंगे। कट चुकी है, ये वायर फंसी हुई है इसके अंदर, आप देख पा रहे होंगे ये वायर फंसी है इसके अंदर, इसको निकाला जा रहा है, वायर को निकालेंगे। तो अपनी ये सिल्वर स्क्रैप निकली है इसके अंदर से, आपको इसका वेट करके बाद में दिखाऊंगा, पहले इसको निकालता हूँ, इसको काटूंगा, इसे कॉपर स्क्रैप निकालूंगा इसके अंदर से, आप देख पा रहे होंगे। तो
घास को काट लिया है, आप देख पा रहे होंगे। बाहर निकालेंगे के साथ और ये बहुत ही आसानी से निकल चुकी है। कॉपर निकाल लिया है इसके अंदर से कुछ आयरन स्क्रैप निकली है, इसके अंदर से ये सिल्वर है, ये कॉपर है, आप लोगों को दिखाऊंगा मैं इसका वेट करके। बढ़िया है जी, तो देखो ये 600 ग्राम कॉपर निकला है और बाकी आधा किलो इसके अंदर सिल्वर निकला है और बाकी बच गया है ये हीरोन स्क्रैप 5 किलो। बाकी 7 किलो 400 ग्राम इसके अंदर से हीरोन स्क्रैप निकली है। आई होप आप लोगों को मेरी प्यारी सी वीडियो पसंद आई होगी, तो ऐसी इसी मजेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।